शहर में स्थित पंचशील हाइनीस हाउसिंग सोसाइटी में करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में तीन बच्चे और तीन महिलाएं और एक बुजुर्ग फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी सात को बाहर निकाला गया। इन 30 मिनट के दौरान बच्चे और महिलाओं की हालत ज्यादा खराब हो गई। काफी देर तक लिफ्ट में फंसे बच्चे और महिलाओं ने लिफ्ट में लगी इमरजेंसी बटन को दबाया था, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। करीब 30 मिनट के बाद किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद सोसाइटी में लोगों के बीच काफी आक्रोश है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं। बता दें, पिछले दिनों बच्चों के लिफ्ट में फंसने की कई घटनाएं सामने आई हैं। घटनाएं लगातार हो रही है। परेशानी की असल वजह यह है कि लिफ्टों का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता। दरअसल सोसाइटी में लिफ्ट रखरखाव की जिम्मेदारी किस पर है, लिफ्ट में हादसे हो तो किसकी गलती मानी जाए और किस पर कार्रवाई की जाए, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। ये तभी संभव होगा जब लिफ्ट एक बनाया जाएगा।